कौन आया था? राम खिलाराम का अम्मा। वो कह रहा था कि कल एक ट्रेन चलेगी। हाँ अम्मा, तो कह रहा कल ट्रेन चलेगी, तो हमने सामान बांध लिया अम्मा, कल वो ट्रेन में बैठ के पहुंच जाएंगे अम्मा। हाँ नहीं, हम नहीं निकलते अम्मा बाहर, कल पहुंच जाएंगे अम्मा, सारा सामान बांध लिया। हाँ 4 बजे की ट्रेन है अम्मा। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है अम्मा, ठीक है अम्मा। हाँ ख्याल रखना अम्मा। मुंबई के बांद्रा इलाके में हजारों मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। लॉकडाउन के बीच ये भीड़ बांद्रा इलाके के बांद्रा टर्मिनस के नजदीक जमा हुई। दरअसल मजदूरों को ये जानकारी सुनते ही हजारों मजदूरों की भीड़ बांद्रा टर्मिनस की ओर बढ़ती चली गई। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे से भीड़ जुटने का ये सिलसिला। थोड़ा गलत फहमी हो गया था अम्मा, राम खिलावन ने पता नहीं किसका व्हाट्सएप देख के मैसेज भेज दिया था अम्मा। नहीं हम पहुंचे तो वो बोले कि नहीं आज कोई ट्रेन नहीं है। अब सारे जाहिल मजदूर में इकट्ठे हो गए अम्मा, पुलिस भी क्या करती है। तो समझाया पुलिस ने अब सबको अम्मा, सबको समझाया पुलिस ने और बोला कि नहीं भाई रजिस्ट्रेशन करा के जाओ ना। अब क्या है ना अम्मा, इतना बड़ा शहर है अम्मा, सरकार भी कैसे संभाले, सबको घर जाने की जल्दी पड़ी है भाई। नहीं हाँ नहीं अम्मा, फिर समझाया पुलिस ने, उन लोगों ने बोला कि रजिस्ट्रेशन करा के जाओ। हाँ हम समझ गए ना बात को अम्मा, हमने बोला भाई सही बात है रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे, कहे ऐसे भीड़ लगाने का। हाँ नहीं, अरे नहीं अम्मा, अरे कह रहे हैं ना हमें कुछ नहीं हुआ अम्मा, और पुलिस दौड़ती भी हमारे पीछे अम्मा, तो क्या हमको पकड़ सकती थी पुलिस, हम आते हैं किसी की पकड़ में। अरे जब छोटे थे तो क्या तुम्हारी पकड़ में आते थे कभी, बताओ आते थे तुम्हारी पकड़ में। शहर में आए थे वो जूता तो हम लेके जाएंगे वापस। अच्छा ठीक है रख लेती हैं वो जूता भी, और बाकी हमने एक बड़ी चद्दर भी रख ली है, बस में बड़ी चद्दर बिछा के अपना आराम से बैठेंगे ताकि संक्रमण भी ना फैले। हाँ बेटा हाँ बेटा हम बस में जाएंगे, बहुत सारी बसें आ गई हैं, हम सबको लेके हमारे गाँव जाएंगे। बेटा 20 घंटे का रास्ता है, अब 1 घंटे बाद भी बैठेंगे तो कल शाम तक पहुँच जाएंगे। बाबा भी ऐसा कमरा ही होगा छोटा सा। नहीं बेटा ऐसा छोटा सा कमरा नहीं होगा, वहाँ तो बहुत बड़ा घर है हमारा, आंगन है, नीम का पेड़ है, और हमारे जानवर हैं वहाँ पे, और हमारे दादा दादी हैं तुम्हारे। तो वो सब छोड़ के इधर क्यों आए? अब क्या बताएं बेटा, बस पैसा कमाने आए थे बेटा, अपने गाँव में पैसा नहीं था ना, लेकिन हम गाँव जाएंगे बेटा, नहीं चाहिए हमको पैसा, खा लेंगे दादी के हाथ की रोटी और नमक, है ना, खाएगा ना दादी के हाथ की रोटी, खाएगा ना, चल बेटा। हाँ चलो, बस छूट जाएगी। नहीं बस नहीं छूट जाएगी।
चलो चलो भाई। बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन मजदूरों का पैदल संघर्ष अब भी जारी है। प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच बसों को लेकर नाक की लड़ाई जारी है। अम्मा नहीं, अम्मा बस में नहीं बैठ पाए, नहीं गए थे अम्मा, नहीं वो कुछ आपस में कुछ बात हो गई दोनों तरफ के लोगों की। अपने यहाँ के गांव के लोग बोल रहे थे कि भाई शहर से आएंगे, संक्रमण लेके आएंगे, फिर यहाँ भी फैला देंगे, और यहाँ वाले कह रहे थे कि भाई आपके लोग हैं लेके जाओ। हाँ नहीं, उनका वाद विवाद चल रहा था अम्मा, नहीं बसें तो थी अम्मा, फिर बसों वालों का भी हो गया वाद विवाद। हाँ कुछ लोग कह रहे थे हमने बसें भेजी हैं तो लेके जाओ, लेकिन दूसरी तरफ वाले कह रहे थे कि भाई आपने क्यों भेजी हैं, हम अपने आप ले जाएंगे। पता नहीं अम्मा, कुछ बड़े लोगों की बात थी, हमें तो समझ नहीं आई। नहीं हम बैठे रहे अम्मा वहाँ पे, सुबह के गए बैठे रहे हम, 8-9 घंटे बैठे रहे अम्मा, फिर चली गई बसें, वापस चली गई अम्मा खाली, हम सब आ गए वापस। हाँ नहीं 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 आएंगे ना अम्मा, आज नहीं आ पाए तो क्या हुआ, आएंगे तो सही अम्मा, कुछ तो करेंगे ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल अम्मा करेंगे। हाँ नहीं नहीं अम्मा ध्यान रखे हैं, वो जो बोले हैं 2 गज का दूरी जरूरी, हम कर रहे हैं अम्मा, बिल्कुल सब साथ हैं अम्मा, आएंगे अम्मा जल्दी आएंगे। राम राम अम्मा। जाएंगे ना, जाएंगे हम सब गांव जाएंगे। शिकायत किसी से नहीं है अम्मा, नहीं। अरे इतना बड़ी महामारी आई है अम्मा, कैसे तैयारी करेंगे, किस किस का ख्याल रखेंगे अम्मा। नहीं नहीं हम समझ रहे हैं उनकी बात को अम्मा, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि सब घर पहुंच जाए, लेकिन बहुत लोग हैं और बहुत तकलीफ है, सबको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा अम्मा। हाँ नहीं आज निकल रहे हैं पैदल। अरे नहीं अम्मा, अरे बहुत मजबूत है हम, याद नहीं हम जब छोटे थे पहाड़ी वाला मंदिर कैसे चले जाते थे 50 किलोमीटर दूर भाग भाग के। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल पोते भी वैसे ही हैं अम्मा, पहुंच जाएंगे। हाँ आज निकलेंगे अम्मा रात को। हाँ हाँ नहीं नहीं अम्मा कोई फिक्र की बात नहीं है, बस अम्मा हाँ 15 दिन लगे अम्मा, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, कोई फिक्र नहीं है, घर पहुंचना है ना, बस पहुंच जाएंगे, कोई बस ट्रेन किसी का नहीं। मम्मा क्यों मुंह देखे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नंबर नहीं आ रहा है, बहुत लोग हैं ना अम्मा, पहुंच जाएंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल 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 अम्मा। नहीं 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 कोई 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 कुछ नहीं अम्मा, बस हमको तो वही खिला देना अपना, वो जो बनाती थी ना बचपन में वो रोटी, बड़ी वाली मोटी राम रोटी, और साथ में नमक अम्मा, वही चाहिए अम्मा बस। अरे पोता भी खाएगा अम्मा, वही खाएगा। हाँ
हाँ बस निकल रहे हैं आज रात को हम। अच्छा अम्मा अभी ना जब तक पहुंचेंगे तो फोन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं और कोई बात नहीं है अम्मा, क्या ना रास्ते के लिए कुछ खाना पीना बच्चों का सामान लिया है, उसके लिए पैसा नहीं था तो फोन भेज दिया है, तो फोन दे देंगे तो बात नहीं हो पाएगी ना अम्मा। हाँ अब सीधा मिलेंगे ना अम्मा, बात क्या बस यूं निकले और यूं पहुंचे अम्मा। हाँ ख्याल रखना अम्मा, बात कराए। हाँ ये कराते हैं। बोलो दादी, बोलो दादी। नहीं अम्मा नहीं बोल, आप बोलोगे दादी। बोलो दादी, दादी। हाँ बोलो दादी, हम आ रहे हैं। हम आज निकल रहे हैं रात को। आज हम निकल रहे हैं रात को। सुना अम्मा? हाँ बस निकल रहे हैं अम्मा। हाँ अच्छा अम्मा, राम राम। राम राम अम्मा। घर नहीं पहुंच पाएंगे हम, कल रात गलती हो गई हमसे अम्मा। होश ही नहीं रहा कि तुम्हारी गोद में सोए हैं कि धरती मैया की गोद में। वैसे पिछले कुछ दिनों में गलतियां बहुत की हमने अम्मा, कभी स्टेशन पे भीड़ लगाने की गलती, कभी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने की गलती। हाँ अम्मा अपना नाम लिखना नहीं सीखे आज तक, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग बोलना सीख गए। लेकिन बस बोलना ही सीखे अम्मा, कर नहीं पाए। 6 फीट की खोली में 6 लोगों के बीच 2 हाथ की दूरी बना नहीं पाए अम्मा। खुद तो 24 घंटे भूखे रह लेते थे अम्मा, लेकिन बच्चों को 2-2 दिन भूखा रहना नहीं सिखा पाए। तो क्या हुआ अगर मालिक मकान रोज घर से निकालने की धमकी देता था? तो क्या हुआ अगर पिछले 2 महीने से 1 रुपया नहीं कमाया था? सारी गलती हमारी ही अम्मा, पुलिस ने भी डंडे मार के यही बोला कि साला सब गलती तुम्हारी है। जिसके लिए काम करते थे उसने भी बोला सब गलती तुम्हारी है। कोई नेता बोला तुम बाहर वालों ने संक्रमण बढ़ा दिया है, गलती तुम्हारी है। कोई और नेता बोला अपने गांव जाओगे वहां भी संक्रमण बढ़ाओगे, सारी गलती तुम जाहिलों की है। रेल और बस का रजिस्ट्रेशन करवाया अम्मा, फिर भी नंबर नहीं आया तो गलती हमारी है। थक हार के सड़क पर पैदल निकल पड़े, कभी किसी ट्रक ने कुचल दिया तो कभी रेलगाड़ी ने, गलती हमारी है अम्मा। अरे जब इतने लोग बोल रहे हैं तो गलती पक्का हमारी ही होगी ना। सबका काम बढ़ा दिया हमने, और कोई काम है कि नहीं बड़े लोगों को कि बस हमको ही देखते रहेंगे। बहुत गड़बड़ कर दी अम्मा, सबसे माफी मांगते हैं हम। हमें नहीं मालूम था कि जिन ऊंची इमारतों को हम खून पसीना बहा के खड़ा करते हैं उनमें हमारे हिस्से की एक ईंट भी नहीं होगी। भूल गए थे अम्मा कि 7 समंदर पार जाने वालों के लिए अपने घर लौटना आसान था, लेकिन जो अपने ही देश में परदेसी हो गए उनके लिए इतना मुश्किल। बहुत सारी बातें भूल गए अम्मा, बहुत सारी गलतियां कर बैठे, लेकिन वादा करते हैं अम्मा, वादा करते हैं तुमसे अगले जन्म इतनी गलतियां नहीं करेंगे अम्मा। और जो सबसे बड़ी गलती की वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हें छोड़ के परदेश नहीं जाएंगे अम्मा। तुम्हारी रोटी और नमक काफी है जीने के लिए, परदेश में रोटी तो मिलती है अम्मा, लेकिन वो रोटी ना तो तन को लगती है ना मन को। प्रणाम अम्मा।